हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो ग्लैमर के न्यू वर्जन के बारे में, जिसका नाम हीरो ग्लैमर एक्सटेक रखा गया है। ये बाइक लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिटेल सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बाइक कब लॉन्च होगी, इसका प्राइस कितना होने वाला है और क्या कुछ नया इस बाइक में हमें देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हम इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले साल दिसंबर 2020 में हीरो कंपनी ने एक्सटेक का नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा था कि हीरो की ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने वाली है, बट जो लेटेस्ट अपडेट अभी निकल कर सामने आ रहा है, इसमें ये क्लियर हो गया है कि ये हीरो की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं होने वाली है। हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 सीसी की बाइक होने वाली है। अभी करेंट के मॉडल से न्यू ग्लैमर एक्सटेक में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। एक्सटेक्स में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को हमें मिलने वाला है। कॉस्मेटिक चेंज की बात करें तो डिज़ाइन में कुछ बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लीक हुई इमेज से ऐसा लगता है कि डिज़ाइन में माइनर चेंज किया गया है। न्यू ग्लैमर एक्सटेक 3 न्यू कलर में लॉन्च होने वाली है और डार्क थीम में ही इसके ग्राफिक्स को एड किया गया है। तीनों कलर का नाम कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट है टेक्नो ब्लैक, सेकेंड है ग्रे ब्लैक एंड थर्ड है ग्रे रेड। फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं जो टेक्नो ब्लैक में है उसमें व्हाइट कलर का ग्राफिक्स को ऐड किया गया है, और सेकेंड जो है उसमें ब्लू कलर का ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, और जो थर्ड नंबर की जो इमेज लीक हुई है जिसमें ग्रे कलर में बाइक है उसमें आप रेड कलर का ग्राफिक्स देख सकते हैं। तो ये 3 न्यू कलर में न्यू ग्राफिक्स के साथ ये बाइक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। तो न्यू ग्लैमर एक्सटेक में तो आपको बॉडी पैनल में ग्राफिक्स देखने को मिल ही रहा है, उसके साथ ही इसके व्हील्स रिम में भी आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स देखने को मिल सकता है। वहीं इसके कुछ न्यू फीचर्स की बात करें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक में न्यू LED हेडलाइट एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर एंड RTMI शो होगा। जैसा कि हीरो की सभी बाइक्स में हीरो i3S टेक्नोलॉजी को यूज करती है, जो बाइक को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के काम में आती है, जिससे थोड़ी बहुत फ्यूल सेव होती है। ठीक वैसे ही एक्सटेक में ऑटो सेल टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिससे बाइक कम पेट्रोल यूज में ही बाइक को स्टार्ट करेगी। वहीं अब अगर इसके मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो 2021 हीरो न्यू ग्लैमर एक्सटेक में 124.7 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन दिया गया है। इसमें 10.72 BHP का पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलने वाला है। एक्सटेक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो कि पहले वाले मॉडल में 4 स्पीड गियरबॉक्स मिलता था। तो 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलने से इस बाइक में आपको स्मूथ राइडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है और साथ ही इसका वेट 122 kg होने वाला है। इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क एंड रियर में हाइड्रोलिक शॉक और जर्बर दिया गया है। इस बाइक का बेस डायमंड टाइप फ्रेम बेस पे होने वाला है। हीरो इस बाइक को 2 वेरिएंट में लॉन्च करेगी। फर्स्ट होगा ड्रम ब्रेक, जिसमें फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक होंगे, और सेकंड जो वेरिएंट होगा उसमें होगा डिस्क ब्रेक, जिसमें फ्रंट में डिस्क मिलेगा और रियर में ड्रम मिलेगा। ड्रम ब्रेक वेरिएंट की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में 130mm का ड्रम ब्रेक का साइज दिया गया है, और वहीं डिस्क ब्रेक वेरिएंट की बात करें तो फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक का साइज दिया गया है, और दोनों वेरिएंट में हीरो की इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि CBS ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करेगी। वहीं अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो अभी का जो ग्लैमर का प्राइस है उससे ये 2 से 3 हज़ार रुपये कॉस्टली होने वाली है। और वहीं अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें तो ये बाइक कभी भी लॉन्च हो सकती है। आप मानकर चलिए कि जुलाई से पहले तक ये बाइक आपको शोरूम में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस बाइक से जुड़े यही अपडेट अभी तक मुझे मिला है, और जैसे ही इस बाइक से जुड़े और भी कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखें, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है RideWithBikeRajat। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पर सारा अपडेट नहीं डाल पाता हूँ, तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर ही अपडेट कर देता हूँ। जो भी छोटे मोटे अपडेट होते हैं मैं इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट कर देता हूँ या स्टोरी में डाल देता हूँ। तो आप मुझे कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पर जरूर से जरूर फॉलो करें, अगर आपको बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट से अपडेट रहना है तो। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड जेन्युइन अपडेट या वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक। Oh baby, is the game over?